प्रदेश में अनुसूचित वर्ग के हकों को लेकर भीम आर्मी के सदस्य प्रदेशाध्यक्ष रवि कुमार दलित की अगुवाई में राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी ने प्रदेश में वन रक्षकों की भर्ती में आरक्षण न देने व अनुसूचित वर्ग के उत्पीड़न सहित हाटी को सैंक वक्त दर्जा देने पर रोष जताते हुए राज्यपाल से अनुसूचित वर्ग के हकों की संरक्षण की गुहार लगाई। राज्यपाल जी से आज हमने मुलाकात करने पहुंचे थे और हमारे प्रदेश के जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी भी यहां पहुंचे हैं। जिला सिरमौर से, अपने जिला अर्की से, जिला सोलन से और तमाम प्रदेश के कोने कोने से जो है यहां साथी पहुंचे थे। और आज हमारा जो विषय है उसको लेकर जो है सबसे प्रथम जो हाटी समुदाय का जो है जो ये कल नोटिफिकेशन की गई है और दूसरा हमारा जो हिमाचल में ज़्यादातर जो SC लोगों के एट्रोसिटी एक्ट के जो मामले हैं उसको पुलिस कैंसिलेशन में डाल रही है और तीसरा हमारा हिमाचल के अनुसूचित जाति के युवाओं को 2022 में सरकारी नौकरियों में लंबित रोस्टर बैकलॉग में भी वंचित रखा गया है। और उसके अलावा जो है हमारा सबसे बड़ा जो मेन था वो वन मित्र भर्ती को लेकर है, जो 2061 भर्तियां हिमाचल प्रदेश में हो रही है। उसके अलावा जो है हमारा हिमाचल में ज़्यादातर जो है अनुसूचित वर्ग के लोग भूमिहीन हैं और जिसके चलते उनके लिए जीवन का निर्वाह करना मुश्किल है। और उसमें जो है हमारा हिमाचल में जो नगर परिषद है, नगर निगम है, उसमें अनुसूचित जाति के जो कोटा होता था, आरक्षित कोटा होता था दुकानों का, उसको लेकर जो है हमने राज्यपाल महोदय के सामने बात रखी है। और उसमें जो है एक हमने मांग और रखी है, जो हमारे अनुसूचित जाति के जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं नगर परिषदों में, जो उनकी नौकरियां होती थी अब उनको नहीं भरा जा रहा है और आरक्षण जो उनका जो भर्ती जो रिटायर लोग हो रहे हैं उसमें सफाई कर्मचारी, उनकी जो भर्तियां नहीं हो रही उनको ठेके पर जो है वो लगातार दिया जा रहा है। तो हमने इन चार पांच मुद्दों को लेकर जो है महामहिम राज्यपाल के समक्ष बात रखी है। और वन मित्र भर्ती को लेकर हमने महामहिम से बताया कि हम इसको लेके जो है पहले भी दो मंत्रियों को जो है सचिवालय में ज्ञापन दे चुके हैं, उनसे बात रख चुके हैं। उसके बाद हमने धर्मशाला में जाकर माननीय वहां पर जो है विरोध प्रदर्शन किया, विरोध दर्ज किया, उसके बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया और उसका जो है हमें कोई जवाब इस तरीके से नहीं जो है जिसको हम समझें कि हमारी फेवर में होगा या कुछ इस तरीके से जो है उसमें आरक्षण रोस्टर रखा जाएगा, तो उन चीज़ों का जो है बिल्कुल जो है ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो हमने महामहिम से इस बात को रखा है। दूसरा जो है जो जनजातीय दर्जे की कल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नोटिफिकेशन की गई और इससे जो है हमारा सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब है, जो वहाँ के हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं उनका जो उन पर अत्याचार होते हैं, उनसे जातीय भेदभाव होता है। 40% हमारा वहाँ पर समाज का लोग है जिसमें OBC इंक्लूड करें तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को जो है हमने उनसे बात की कि ये जो हमारा वर्ग जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, उन पर एट्रोसिटी होगी और वहाँ पर पहले भी एट्रोसिटी के मामले दर्ज हुए हैं जो 2 वर्षों की जो हमने उनको बताई। तो जो ये पूरी तरह से जो है ये जो संवैधानिक व्यवस्था है इसके विरुद्ध जो है सारा कुछ हो रहा है। और जनजातीय दर्जा करने का मतलब सीधे तौर पर हमारे लोगों की जो है वो पूरी तरह से जो है उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और इसको लेकर हमारा एक और विषय था जिसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको जो दुकानें जो दी जाती है दुकानें दी जाती थी पहले नगर परिषद नगर निगमों में कोटा होता था, तो अब जो है कुछ काफ़ी समय से जो है पिछले कई वर्षों से जो है उसको पूरे इंप्लीमेंट किया ही नहीं जा रहा है, पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के जो हकूक है उनके अधिकार है उसको पूरी तरह से दरकिनार कर उनको समझा ही नहीं जा रहा है, पूछा ही नहीं जा रहा है। और शरेआम जो है असंवैधानिक तरीके से जो है सारी जो भी व्यवस्था चल रही है और हिमाचल प्रदेश में गिरिपार में जो हमारा सिरमौर का इलाका है वहाँ पर और हिमाचल प्रदेश में जो शामलात भूमियाँ हैं हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो है वो जमीनों से वंचित है और जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार नहीं है।
हमने मुख्य महामहिम से बात की कि भी उनको जो है जमीनों का जो है जो पटे जैसे 1972 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे मिलते थे, तो उस व्यवस्था को जो है खोला जाए। हमारे लोग जो है जो अभी पीछे कुछ जमीनों के वहां पर निशानदेही और वो हो रही है, तो हमारे लोगों को तो जो उनकी कब्जे थे उससे भी जो है उनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो हमारे लोग जो है अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ जो है पूरी तरह से जो है प्रदेश के अंदर जो है कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर हमने अंदर जो है महामहिम से बात की है और उनसे हमने आश्वासन, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और हमें उम्मीद है कि जो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं वो हमारी मांगों को सानुपूर्वक सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे और सरकार को जो है निर्देश देंगे, नोटिस करेंगे, ताकि सरकार जो है प्रदेश में जो है अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करने में गुरेज ना करे। ये शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।